चिल्ड्रन, आज के क्लास में हम बच्चे भारत माँ के इस कविता के बारे में जान लेंगे। देखो बच्चों, पिछले क्लास में हिजड़ों के प्रयोग के बारे में आपने जान लिया ना, तो आज के क्लास में हम बच्चे भारत माँ के इसका मीनिंग देखिए। नाओ भारत माते मक्कड़ो, नाओ भारत माते मक्कड़ो। हम छोटे छोटे बच्चे हैं अंदर, नाओ चिक्क चिक्क मक्कड़ो छोटे छोटे बच्चे हैं। हम बोले वाले बच्चे हैं अंदर, नमक जगत बच्चे अस्ट नॉलेज इला ना मुग्धी। हम मन के सच्चे, हम मन के सच्चे मनस ना स्वच्छ मनस नवी। भारत माता की जय गाएंगे अंदर, भारत माते जय अंदर हाड़ती। भारत का झंडा फहराएंगे, भारत देश हिमालय पर चढ़ जाएंगे, हिमालय ऐसी भारत का झंडा फहराएंगे, भारत देश ध्वज हराड़ी। डर कर पीछे नटेंगे, अंजिन हिंसर नम देश ओडाड़क रेडी आगे। डट कर मुश्किल का सामना करेंगे, धैर्य बंत कष्टी। माता की जय जय गाएंगे, भारत माते जय जय हाड़ती। भारत का झंडा फहराएंगे, भारत देश ध्वज हाराड़ती। मैं और एक बार आपको पढ़ के सुनाऊंगी बच्चों, आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बोले भाले बच्चे हैं पर मन के सच्चे हैं। भारत माता की जय गाएंगे, भारत का झंडा फहराएंगे, झूठ का साथ कभी न देंगे, वादा कर मुख न मोड़ेंगे, साहस भरे कार्य कर जाएंगे, हिमालय पर चढ़ जाएंगे, भारत का झंडा फहराएंगे, डर कर पीछे न हटेंगे, डट कर मुश्किलों का सामना करेंगे, माता की जय जय गाएंगे, भारत का झंडा फहराएंगे। देखो बच्चों, इसको क्या करना है, घर में बैठ के कंठपाठ करके और एक बार क्लास वर्क में लिखना है। कविता को कंठपाठ भी करना है, एक बार लिखना है। और देखो बच्चों, शब्दार्थ समान अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द आपके टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट पेज में 16 में है, आपको वो भी क्लास वर्क में लिखना है। देखो बच्चों, मैंने इधर ऑलरेडी लिखा है, लेकिन मैंने इसका शब्दार्थ खंडन में ऑलरेडी आपको बताया, जैसे छोटे मतलब स्मॉल, यू आर स्मॉल किड ना। नेक्स्ट सच्चे यानी ट्रूथफुल, झूठ लाई सुल्लो, डट कर विद करेज धैर्य, बोले वाले इनोसेंट मुग्धरो, झंडा फ्लैग ध्वज, वादा प्रॉमिस वचन कोडो, आमेले मुश्किल डिफिकल्टीज अंदरे कष्ट पड़ो, मन माइंड मनसु, पहर आएंगे विल होस्ट अंदरे ना ध्वज हारिसुवुदु, मोड़ेंगे टर्न बैक अंदरे हिंतिरुगि नोडंगिल्ल अंदरे सामना करना टू फेस। देखो बच्चों, मैंने इधर ओनली शब्द लिखा, आपको क्या करना है, समान अर्थ वाले शब्द उल्टे अर्थ वाले शब्द भी लिखना है। पहला आपको कविता लिखना है, बाद में इन सभी को लिखना है और कविता को कंठपाठ करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करके आपको दूंगी बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय।